से बचाएगी। खूबसूरत से पांव अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। ईद की तैयारी में अपने पैरों को मत भूलिए। तो मैं एक वीडियो बना के लाई हूँ कि घर में हम कैसे पेडिक्योर कर सकते हैं, और मेरे पास तो ये मशीन है, अगर आपके पास ना भी हो तब भी आप छोटा सा टब ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने शैम्पू, और ये काम टब में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है सादा टब, इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डलता है, और अगर आपके पास नींबू है तो बहुत ही अच्छा है लेमन है तो, वरना फिर इसमें नमक भी डाल सकते हैं। और इसको इसके अंदर मैंने ये डाला है, माउथ फ्रेशनर होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने शैम्पू भी डाल दिया, और इसके अंदर कोई सा भी आप बॉडी वॉश भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला बॉडी वॉश डाला है, फ्लेम का है मेरे पास, आप कोई भी डाल सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि इसे बबल्स बनाने का भी होता है, ये देखिए अगर साइड पे करूँगी तो ये बबल्स बनेंगे और ये तेज़ चलने लगेगा। ये देखिए आप तेज़ चल रहे हैं और ये बबल्स बना रहा है। इधर आप अपने फुट रख सकते हैं, और ये मैंने इसको स्पा लुक देने के लिए इसके अंदर, देखिए देखिए इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, इसको स्पा लुक देने के लिए मैंने ये बनाया था। बबल्स बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, अब मैं इसको मसाज फुट पे कर दूँगी, मसाज पे। और आप अपने पाँव डालने से पहले उनकी सफाई ज़रूर कर लें। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कटर है, फाइलर है। तो चले पहले जो है हम अपने थिनर से जो है साफ कर लेते हैं। फुट केयर के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं, क्यूटिकल पुशर, टिश्यू एंड कॉटन, फुट ब्रश, नेल कटर, क्रीम मसाज, स्क्रब और नेल बफर, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, और नेल पेंट। अच्छा, ये मैंने जो है ना ऑनलाइन नहीं मंगवाया, बल्कि ये मैंने आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। ये पूरी मैनी पेडिक्योर किट है, इसमें से देखें ये फाइलर, ये बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चलें फिर, नेल रिमूवर है जो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है, इससे आप ज़रूरी नहीं कि नेल पेंट ही उतारें, डस्ट भी साफ होती है और नेल के ऊपर शाइन भी आती है। इस तरह से साफ़ करने के बाद मैं एंगल सही बना रही हूँ ताकि आपको वाजे नज़र आए। तो इस तरह से आप नेल्स काट लें, जो भी नेल्स बड़े हैं उनको फाइल कर लें, कटिंग कर लें। और फिर इसके बाद ये जो सामान मैंने आपको किट दिखाई, इसके अंदर एक रिफ्टर होता है, एक नेल कटर होता है और दूसरा पुशर होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। यानी कि डेड स्किन जो नेल्स के ऊपर आती है उनको पुशर से पुश करना होता है, और फिर कटर से कट करके और इस तरह से साफ़ करना होता है। देखने में काफ़ी ये डेंजरस लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी नेल आपके आउट हो रहे हैं उनकी शेप दे लें, और मैं यही प्रेफर करूँगी कि पाँव के नाखून बहुत ही छोटे रखें, वरना वो टकरा के आपको मतलब कट लग सकता है, आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे ना रखें। ऑरेंज स्ट्रिक भी आती है नेल्स के अंदर जो मैल होता है उसको निकालने के लिए। और ये देखें, इसके बाद मैंने रिमूवर से साफ़ किया है, अब नेल्स डालने से पहले पाँव आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं। और मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग के लिए कोई भी क्रीम आप साइडों पर लगा लें, ताकि आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो पानी के अंदर रहने से। पहले ही नाखूनों की सारी सफाई कर लेनी, सारी चीज़ें आपने देख लेनी है अच्छी तरह। और अब हम पानी में पाँव को 10 से 15 मिनट डीप गर्म पानी जितना आप बर्दाश्त कर सकें उसके अंदर आप पैर 10 से 15 मिनट रख लीजिए। थोड़े से बबल हम बना लेते हैं, अगर ये सहूलत नहीं भी है तब भी आप हाथ से बबल्स बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये बबल्स बन रहे हैं, और इसके अंदर सफाई होगी। चीजें मिलती हैं, ब्लैक कलर का पत्थर भी आता है उसे, खास तौर पे एड़ियों को जरूर रगड़ें, ये गंदी रहती हैं और पैर जो है ज्यादा इस्तेमाल में आने की वजह से एड़ियां हमारी खराब हो जाती हैं। तो इससे भी सफाई कर सकते हैं एड़ियों की। और फिर पाँव को डिप कर लें इस तरह से सफाई करके, ये देखिए सारा इससे मैल उतर जाएगा जो भी एड़ियों के अंदर है, नीचे है। अच्छी तरह से एड़ियों को रगड़ लें। पैरों के नीचे कितनी डेड स्किन होती है, ये सारी स्किन जो है वो साफ कर, इस तरह से ये सारी एड़ियों पर से डेड स्किन उतर जाती है और जो पैर गंदे होते हैं वो साफ हो जाते हैं अच्छी तरह से।
छोटा सा ब्रश लेकर भी इसकी सफाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो ये पेडिक्योर है ही नहीं, मतलब करने की मशीन, क्योंकि हमारे पास ये इस पे ऊपर लगाने का ये मसाजर है और ये है वो। मैं आपको अब टप में दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने टप में रख लिया और पाँव आपको नज़र आ रहे होंगे अब कितने साफ़ हो चुके हैं। इन्हें पानी में 10 मिनट पे अपने पाँव निकाल कर और फिर इनको साफ़ कर लें। अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब हम इनकी क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पर एक ये लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा सा ये है एक्सपर्ट ब्यूटीफुल मास्क हैंड और फुट। तो चले इसको भी करते हैं। और इसके अच्छा, मेरे पास गोल्डन गर्ल का ये मास्क है, फेशियल अर्जेंट मास्क भी है और इसी का ये फुट मास्क है। इनकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है गोल्डन पर्ल की। तो अब मैं ये देखें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मैं इसके ऊपर ये मसाज करना आपको बता रही हूँ। बहुत ईजी है, आपको इसी तरह जैसे फेस पर करते हैं आप साइड्स पे आपको मसाज करना है। अच्छा, ये जो साशे था ये 20 या 40 रुपए का था, इसके अंदर स्क्रब भी था और इसके अंदर बहुत ही दानेदार सा कुछ एप्रिकोट टाइप मिला हुआ था जिससे पैर बहुत सॉफ्ट हो गए थे। और ये सस्ता सा पेडिक्योर घर में ही हो जाएगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर महीने आप इसी तरह अपनी केयर कीजिए पैरों, भाग भाग के इतने पैसे खर्च करने और पार्लर जाना आसान नहीं होता। मैंने बहुत ही इजी टिप्स और तरीके से घर में आपको बता दिया, बस मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि कैमरा सेट भी एंगल सही आपको समझ आ रहे होंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर स्टेप आपको अच्छी तरीके से बताऊँ, मसाज का, क्लिनजिंग का। और इस तरह का फुट मसाज करने के फेशियल के ये आती है मशीन है, मैं इससे कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ब्रश वाला एप्लीकेटर लगाया है और इसको करने के बाद फिर कोई सा भी आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, पर्ल का ही मॉइस्चराइज़र है मेरे पास। मैं जो है ना एलोवेरा जेल भी लगाती हूँ, उससे ये होता है कि ये आपकी जो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा ले लें आप और ख़ास तौर पर अपनी एड़ियों पर ज़रूर लगाएँ, क्योंकि हमारी एड़ियों का जो पोर्शन होता है वो सख्त होता है। अपनी चप्पल को 3-4 महीने में घर में पहनने की स्लीपर चेंज कर लें ताकि उससे आपकी एड़ियों में क्रैक्स ना पड़ें। ये देखें कितनी स्मूथ और सॉफ्ट हो गए पाँव। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें, मॉइस्चराइज़र लगाने से एलोवेरा जेल के अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और बहुत ज़्यादा स्किन के लिए इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल का पत्ता तोड़ के भी अपने पाँव और हाथों में रोज़ाना लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट लुक देता है। फुट मसाज के बाद अब आप कोई भी नेल पेंट लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसके नीचे आने से पहले बेस कोट ज़रूर लगा लें, वो नाखूनों को आपके पीला होने से बचाएगी, और उसके बाद फिर आप ये अप्लाई करें। देखिए कितनी जल्दी खूबसूरत से पाँव रेडी भी हो गए। अब आप ईद पर कुछ भी पहनेंगी तो आपका इम्प्रेशन पाँव पे पड़ते ही ख़राब नहीं होगा। अच्छी सी सैंडल चप्पल घर में भी पहने और चेंज करती रहें हर 4 महीने बाद अपनी चप्पल को। अब इन पैरों पे आप मेहंदी लगाएं या फिर आप ईद साथ पहने सैंडल और खूसें। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।